सर्जिकल स्ट्राइक डे की दूसरी वर्षगांठ पर हल्द्वानी में सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन का शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री अजय टम्टा ने किया। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, सुबोध उनियाल और प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट सहित कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा सैन्य परिवारों को दी जाने वाली सुविधाएं और वन रैंक वन पेंशन के बारे में मुख्य अतिथि कैप्टन अभिमन्यु ने जमकर बखान किया। ये सर्जिकल स्ट्राइक ये भारत के इतिहास में इस नाते से जानी जाएगी, याद की जाएगी कि इस दिन से पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के मन में एक भय पैदा हुआ कि भारत विश्व के उन देशों के अंदर शामिल हुआ है जो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने सैनिकों के सम्मान के लिए, 125 करोड़ हिंदुस्तानी उसकी अमन शांति चयन के लिए सीमा पार करने से गुरेज नहीं करेगा, दुनिया में कहीं भी अपनी चॉइस के ऊपर और किसनी और किस प्रकार की शक्ति का उपयोग करना है वह उपयोग करेगा। जो जन सैलाब उमड़ के आया है पूर्व सैनिकों का, ये ऐतिहासिक है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय अमित शाह जी ने जो सैनिकों का सम्मान करने का आज कार्यक्रम दिया था भारतीय जनता पार्टी को, वो बखूबी बहुत अच्छी तरह से सफल हुआ है। इस सफलता में मैं अपने पूरे सैनिक भाइयों को बधाई देता हूं। और जो भाई लोग कांग्रेस के हमारे मित्र इसकी आलोचना कर रहे हैं, उनसे कहना चाहूंगा कि अपना दृष्टिकोण बदलें भाई। ये स्वागत का दिन है, ऐसे दिन तो कम से कम हम एक हो जाएं।